हेलो गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लोलस्ट। दिस साइड इज देश त्यागी, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ लैंडमार्क केस फ्रॉम फैमिली लॉ टू, एंड द नेम ऑफ द केस इज मोरो विश्वनाथ वर्सेज गणेश विट्ठल। देखिए, इस केस के फैक्ट जानने से पहले मैं आपको कुछ कोपार्टनरी और कौन हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से पार्टीशन क्लेम कर सकता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो हमारी हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है इसमें पार्टीशन सिर्फ कोपार्टनर्स ही क्लेम कर सकते हैं। और कोपार्टनर्स कौन होते हैं, देखिए कोपार्टनर्स को जानने के लिए हमें समझना होगा जो हमारे हिंदू जॉइंट फैमिली में जो हमारे लास्ट मेल मेंबर होते हैं, जो हमारे कॉमन एंसेस्टर होते हैं, उनसे कंटिन्यूस फोर जनरेशन तक जो हमारे लास्ट मेंबर है उनसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उनको हम फर्स्ट जनरेशन पे रखते हैं। जो उनसे कंटिन्यूस फोर जनरेशन होती है इंक्लूडिंग हिम, वो ही हमारे कोपार्टनर्स होते हैं और वो ही पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज इन अ फैमिली देयर आर सिक्स जनरेशन, तो जो हमारे ए है वो हमारे लास्ट मेल मेंबर अलाइव हैं, तो ए से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ए इज इन द फर्स्ट जनरेशन, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई एंड देन एफ। तो जो हमारी फोर जनरेशन होगी स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूस, दे मस्ट बी कंटिन्यूस। जो हमारी फोर कंटिन्यूस जनरेशन होंगी जो कि कोपार्टनर्स कहलाएंगी और वो ही सिर्फ पार्टीशन क्लेम कर सकती है, और जो हमारी फिफ्थ और सिक्स जनरेशन है दे कैन नॉट क्लेम पार्टीशन। फ्यूचर में ई और एफ भी कोपार्टनर में इंक्लूड हो सकते हैं, आइए वो जानते हैं कैसे। देखिए, जब हमारी ए की डेथ हो जाएगी, जब ए की डेथ हो जाएगी तो हमारे जो लास्ट मेल मेंबर होंगे वो जाएंगे बी, तो हम जनरेशन काउंट बी से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे ई होगा वो कोपार्टनर में इंक्लूड हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके जो कोपार्टनर का 12 वो नीचे जाता जाएगा और नीचे वाली जनरेशन कोपार्टनर में इंक्लूड होती जाएंगी। लेकिन उसके लिए जो फर्स्ट जनरेशन होती है, लास्ट मेल मेंबर होते हैं, उनकी डेथ होना जरूरी है। अगर इस केस में बी की डेथ हो तो भी कोपार्टनर ई तक ही रहेगी, डी की डेथ हो तो भी ई तक रहेगी, अगर ई की भी डेथ हो जाए तो भी वो जनरेशन कोपार्टनर यहीं तक रहेगी। फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारे एफ है वो कोपार्टनर में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि जब तक फर्स्ट जनरेशन की डेथ नहीं होती है तो कोपार्टनर का बार नीचे नहीं जाता है। कोपार्टनर का बार नीचे तभी जाएगा जब फर्स्ट जनरेशन की डेथ हो जाएगी, फर्स्ट जनरेशन की डेथ होने के बाद ही कोपार्टनर जो नीचे जाती है। और अगर फर्स्ट जनरेशन की डेथ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अगर इस केस में बी सी डी की भी डेथ हो जाती है तो जो ए फर्स्ट जनरेशन हमारी जो बी होंगे वो हमारे सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर बन जाएंगे, फिर भी जो एफ होंगे कोपार्टनर में इंक्लूड नहीं होंगे। देखिए, आइए कुछ इस केस के फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। अब देखिए, इस केस में जो ओरिजिनल एक्वायर होते हैं हमारे जो कॉमन मेल एंसेस्टर के वो होते हैं उद्धव, इनके सन होते हैं सन ऑफ सन एंड देन आते हैं हमारे मोरो। एक और ब्रांच होती है S1 S1S, देन आते हैं हमारे गणेश। देखिए, इस केस में हमारे कॉमन एंसेस्ट्रल है कौन, उद्धव, तो इनसे जनरेशन काउंट स्टार्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे मोरो हैं वो पार्टीशन क्लेम करते हैं, लेकिन उसको गणेश जो है वो कंटेंड करते हैं कि जो गणेश है वो तो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, वो तो कोपार्टनर है ही नहीं, तो वो पार्टीशन कैसे क्लेम कर सकते हैं। जबकि जो गणेश है वो हमारे फोर्थ जनरेशन में आते हैं, वो कोपार्टनर है, वो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही जस्टिफाई किया गया है, जो हमारे स्टार्टिंग फोर जनरेशन होती है, जो कंटिन्यूस जनरेशन होती है फ्रॉम द कॉमन मेल एंसेस्टर, सिर्फ वही पार्टीशन क्लेम कर सकती है। कोर्ट ने इस केस में यही कहा था कि जो मोरो है वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट द कोपार्टनर, वो कोपार्टनर से आउट है तो वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते। देखिए, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन और डिसीजन दिया है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। फैक्ट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, तो मेन कंक्लूजन कोर्ट ने इसमें यही दिया है that it cannot be demanded by one more than 4 degrees removed from the last owner। जो लास्ट ओनर है उसको जब हम उसको लेके काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जो मोर देन 4 डिग्रीज हो जाएंगे वो जो है वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरिजिनल एक्वायर की भी बात की है, जो हमने ए बी सी डी ई एफ वाला एग्जाम्पल लिया था उस केस में ए जो हमारे ओरिजिनल एक्वायर थे उनकी जब डेथ हो जाएगी तो बी सी डी और ई भी कोपार्टनर में इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ई के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ई है हमारे वो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, तो जब ए की डेथ के बाद ई भी पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टीशन इसलिए क्लेम कर पा रहे हैं क्योंकि ए की डेथ हो गई है तो वो फोर्थ जनरेशन में आ गए, लेकिन वो ए के रिस्पेक्टिव से अब भी फिफ्थ जनरेशन में। तो जो अब ओरिजिनल एक्वायर है उसके फोर्थ जनरेशन के बाहर होकर पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट ओनर जो है फैमिली के जो लास्ट मेल मेंबर होंगे उनकी फोर्थ जनरेशन से बाहर होकर आप पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते। यही था इस केस के बारे में। For more such legal content, subscribe to our channel. Thank you. Hello guys, welcome to our YouTube channel.